चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हमें तो कभी विकास नहीं लगता, हमें तो सारा में सब हमेशा ये ऐसे ही लगता है। पर हर 3 महीने तो हम कभी इसमें सूखे में रहते ही नहीं है। हैं अब वैसे तो गर्मियों में तो पानी सूख ही जाता है, सफर सर्दी जब से लगती है 3 महीना यही हाल रहते हैं। इस गली के भी सीवर जाम रहते हैं, सफाई होती भी है, हम ये नहीं कह रहे नहीं होती, होती है, पर ये मतलब कामयाब नहीं होता है कभी। अब क्या वजह है वो तो वही जाने, वो उसमें रहते हैं। अब विधायक तो ये मुकेश सूर्या ने और वो क्या नाम आधार शास्त्री दो हैं, कौन है कौन नहीं है। नहीं आते तो हैं, अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं, अब जाते हैं निकलते जाते हैं। हाँ देखा कहा वो आदर शास्त्री नहीं आता है। देख लो सीवर पानी सभी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, और जब जाते हैं तो बोलता भी वो मुकेश सूर्यान गलत है, लेडीजों को नहीं वो जाएंगे वहाँ पर। हमने उसका क्या बिगाड़ रखा है यहाँ पर, जो वह सीट पे होता है वही तो काम करेगा, हम लोग थोड़े करेंगे। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम रोज प्राइवेट वालों को दें? यही मेरी वो है कि यहाँ से देख लो उनका कार्य। क्या कुछ विकास हुआ पिछले 5 साल? 5 साल में कुछ नहीं हुआ, देश का बेड़ा गर्क हुआ। अब विधानसभा वालों को ही बोल रहा मैं, तो आम आदमी पार्टी वाला तो काम ही नहीं करवाता कुछ भी, क्या तो सुनता नहीं किसी की। विधायक अपने पोस्टर ही चिपका सकता है और कुछ नहीं कर सकता। विधायक अपने पोस्टर ही चिपकवाएगा। मैंने विकास करा, मैंने कैमरे लगवाए, घंटा कैमरे में रिकॉर्डिंग, तो आज तक मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी। मैं कुछ नहीं करा मेरे लिए। ऐसा है नरक में जी रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं है, ना निगम पार्षद करता, ना MLA करता, ना MP करता, कोई नहीं कुछ कर रहा है। मतलब ऐसी सरकार हो रही है, तीनों बिल्कुल फेल सरकार है। विधायक है हमारे आदर शास्त्री, दिखते हैं, मुलाकात तो होती है, मगर मुलाकात से क्या होगा, मुलाकात से क्या होगा, जब काम नहीं होगा तो मुलाकात क्या करेंगे। काम नहीं हुआ, अब कुछ दिख रहा है तो आपको बता दो, मेरे को दिख रहा है जीरो काम है। ये नीचे करके दिखा लो कैमरे को, बिल्कुल जीरो काम है। लाइटिंग बाहर निकल रही सीवर की, घर का दरवाजा है, इससे बढ़ती और क्या होगा। मतलब खाना भी दुश्वार हो रहा है कि खाना खा लिया जाए, कुछ भी नहीं है ना है। सर कुछ काम नहीं हुआ, महीने हर 10 दिन में बढ़ जाता है, और कंप्लेन करना जाओ तो कोई आता नहीं है। 5-6 बार तो कंप्लेन नहीं कर चुका हूँ अभी सूर्यान के। पार्षद यहाँ पे जो है सूर्यान के यहाँ करी है, अभी मैं परसों भी करके आया। कोई काम हुआ वहाँ पे? काम गया, इसका गली का कुछ हो रहा है, ये देखो ना सारे पानी विकास के नाम पे सब जीरो। 10 दिन में भर जाता है सर, देखो उधर साफ कर गए आज और इधर छोड़ गए, जबकि यहाँ ही कंप्लेन है। आज का मामला नहीं है, ये 5-7 साल हो गए पानी यहाँ पर रहता है, और जब ये आदर्श शास्त्री जी बने थे तब भी यही पानी से गुजर के गए थे, और आज भी जो कल को वोट मांगने के लिए आएंगे, मैं वोट देंगे ऐसी बात नहीं है, किसी को देंगे या देंगे किसी को देंगे जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी पानी में निकल जाना पड़ेगा। उनको ये नहीं पता है कि हम पानी में से निकल रहे हैं, कि पानी यहाँ भरा हुआ है, तो इसको इसकी समस्या हल करवाएं। कंप्लेंट से कुछ नहीं बनता, जब नज़रों से देख ही लिया। दुर्गति के बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जो भी हमारे नॉमिनेटेड MCD से काउंसलर है, MLA है, कि चुनाव की लड़ाई सिर्फ चुनाव तक होती है। मान लो इस गली में हमारा घर है, हम लोग यहीं रहते हैं, और हमारी बहनें जब जाती हैं कंप्लेंट करने के लिए, उन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता है कि उस गली में सुभाष जैन चंद्रपाल जैन का घर है, वहाँ उस गली की सफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम भी समाज की सेवा करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का घर उस गली में है तो उस गली में सफाई नहीं होगी, या उस गली में झाड़ू नहीं लगेगी, या उस गली में विकास का काम नहीं होगा। वोट आदमी जो वोट का मत है
वो आदमी अपनी आत्मा से देता, अपने दिल से देता है। आपके सामने पोजीशन है, हम नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, न कोई विधायक सुनता, न कोई काउंसलर सुनता, किसके पास जाएं, 15-20 दिन चक्कर लगाते हो जाते हैं, न विधायक मिलता न कोई मिलता, कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है, लेकिन जाए तो जाए का, अपने बच्चे बीमार हो रहे हैं और नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हमने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखी, जो हमें यहाँ सोचना पड़ता है कि यहाँ रहें या यहाँ से चले जाएं। ये हम विधायक आदर्श शास्त्री मैंने आज तक पोस्टरों में तो देखा है, लेकिन मुझे मैंने कभी नहीं देखा, नहीं मैं उनको जानता क्योंकि पोस्टर देखता हूँ, लेकिन कभी मिले या क्षेत्र में आए तब तो, या कोई मीटिंग करें तब तो आदमी जाके देख लेता है विधायक क्या कह रहा है, लेकिन जब विधायक यहाँ मिलता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, समझे नहीं, तो हम किससे बात करें, किसको जाके अपना वो बताएं, काम यहाँ कर दिया, खोद कर डाल दिया, आधी रोड बना दी, आधी पाइप डाल दिए, कोई परवाह नहीं, कोई पानी नहीं, और पानी जो है बिल्कुल गंदा आ रहा है, शिविर का पानी आ रहा है, जिससे हम जो है यहाँ भी लाचार है, हम क्या करें, हमारी दयनीय स्थिति होगी। काम का ये सब पोस्टर लाओ, मैं लगा दूँ आपके पोस्टर लगा दूँ, काम तो पब्लिक जाएगी, जहाँ जाओगे आप लोग पब्लिक देखेगी, और काम किया होगा तो पब्लिक हम भी कहेंगे काम किया है, लेकिन जब काम किया ही नहीं तो विकास कहीं का कहें, विकास जब होगा तो विकास कहा जाएगा, हम किसी पार्टी से विलोम नहीं करते, लेकिन जो काम करेगा उसको कहेंगे कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन हमने विधायक आज तक नहीं देखा, क्षेत्र की हालत बहुत दयनीय है, मैं यहाँ नहीं कह रहा, मैं सारे क्षेत्र में, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख लीजिए अपने आँखों से, आपके सामने मजबूर है, और हमें अब की बार विधायक ऐसा लेना है जो हमारे क्षेत्र में काम करे, हमारी समस्याओं को सुने, और हाँ इसमें विकास करे, विकास का नाम ना करे, विकास करे, विकास करेगा तो नाम होगा। अभी इन तो कुछ नहीं हुआ है, आगे हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन अपने इलाके में तो कुछ हुआ नहीं है, मस्जिद एलिया में कुछ नहीं हुआ है, जगत विधायक तो वही है, क्या नाम है उनका, शास्त्री, हाँ शास्त्री, आदर शास्त्री, नहीं याद है, लेकिन जवान में नाम ही ऐसा है, कोई आता नहीं है। कुछ नहीं हुआ साहब, सफाई तक ना हुई है रोड की, सफाई भी ना हुई जब से बना है, एक दो बार आए हैं तो बोला है तो हो जाएगा, अब भी आने वाले हैं एक दो दिन में, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आना जाना किस तरह से है, लगातार आते हैं, मिलते हैं आपका, लगातार ना आते वो, कभी कभी अब आएंगे, अब वोट होंगे टाइम पे। शास्त्री है डेवलपमेंट का 8 साल हो गए जी, रोड से तो बहुत परेशानी हो रही है, बिजली पानी, मतलब ये पानी भर जाता है रोडों पे, बहुत ज़्यादा समस्या होती है रोडों से। विधायक कौन है, आदर्श शास्त्री, नहीं हमें तो कभी कभी देख लिया, ज़्यादा मुलाकात तो हमसे हो नहीं पाती। यही है सर, कहाँ डेवलपमेंट, यही है रोड वोड खुदा हुआ है, अभी तक बना तो है। विधायक हमारे नाम ही नहीं पता, शास्त्री जी, हाँ शास्त्री जी, हाँ याद करने में देर लगी, क्यों मैं ऐसा है भाई, आते हैं नहीं तो जानते नहीं, हाँ भाई जब आते ही नहीं है तो क्या देख रहे। अरे मेरा क्या लेगी हर जाना, मैं तो खुद फ्री हूँ, मेरा नाम क्या करोगे पूछ कर, फोटो तो आ जाएगी। विकास कितना हुआ पिछले 5 साल में? कुछ भी नहीं हुआ, देखो तो ना टूटी फूटी सड़क है, क्या विकास हुआ। क्या विकास देखा, कुछ भी नहीं देखा, एक लाइट लगाया नहीं रिया, और क्या करेगा जिंदगी में। माता जी की, देखिए आप
अरे कुछ नहीं होता यहाँ तो, सारे बोर्ड ले जाएंगे, अपने अपने नंबर छापेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे जाकर। इस 8 सालों में कोई भी रोड नहीं बनी है, किसी भी प्रकार का कोई सीवर से लेके गटर से लेके कोई काम नहीं हुआ है। हम ये चाह रहे हैं जो हमारा लीडर आए वो हमारी रोड का ध्यान रखे। बिजली पानी से ठीक है, फ्री है, कुछ समय के लिए फ्री करने से कुछ नहीं हो रहा, लोगों को विकास दिखना चाहिए। पोस्टर लगा दिया, 5 साल में इतना विकास हुआ, कोई विकास नहीं, जीरो है। रोडें भरी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, लोग तंग हैं। यहाँ नमाजी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ नमाज के लिए घर से निकलते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं, वोट के टाइम पे आ जाएंगे, पोस्टरबाजी कर देंगे और चले जाएंगे। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।